बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अब उनके करीबी दोस्त संदीप सिंह पर शक की सुइयां अटकी हैं। दरअसल सुशांत के करीबी संदीप सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी गई है और संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स का नाम निलोत्पल मृणाल है। निलोत्पल मृणाल एक जाने माने साहित्यकार है। इनकी डार्क हाउस करके एक किताब भी छपी थी। निलोत्पल ने संदीप सिंह पर आरोप लगाते हुए 3 पत्र लिखे हैं। निलोत्पल के ये पत्र इस मामले पर जांच कर रहे DCP अभिषेक त्रिमुखे वाकोला PS और मुंबई कमिश्नर के पास पहुंचा दिए गए हैं। इन पत्रों में निलोत्पल ने संदीप सिंह के ऊपर जांच करने की मांग की है। निलोत्पल के आरोप हैं कि सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह जिस तरह के बयान पुलिस अधिकारियों और मीडिया के बीच में दे रहे हैं उनमें वो सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक तौर पर कमजोर साबित करना चाहते हैं। सच्चाई को बाहर आने से रोका जा रहा है और संदीप सिंह बॉलीवुड की पक्ष ले रहे हैं। दरअसल निलोत्पल का कहना है कि संदीप सिंह एक फिल्म निर्माता हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें आने वाले समय में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिल सके और यही वजह है कि वो बॉलीवुड का पक्ष ले रहे हैं। वहीं निलोत्पल ने इस बात पर भी शक जताया है कि आखिर क्यों संदीप सिंह ही कूपर हॉस्पिटल में सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने तक रुके थे जबकि सुशांत सिंह के साथ वहां पर उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ भी मौजूद थे जो कि उनके साथ फ्लैट शेयर कर रहे थे। जानकारी के लिए बताते चलें संदीप सिंह के मोबाइल फोन की जांच करने की भी मांग की जा रही है क्योंकि गायिका सुनील छैला बिहारी के संदीप सिंह पर आरोप है कि वो सलमान खान गैंग को सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी जानकारियां देते रहते थे जिसके चलते पिछले 1 महीने से लगातार सिम बदलने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां भरी कॉल्स आ रही थी। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्बन न्यूज को ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।